नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात होने वाली है आधार कार्ड को लेके, कि आधार कार्ड में क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे बहुत सारा जो मोबाइल नंबर है वो आधार में लिंक नहीं है और उनका जो है कि आधार कार्ड जो है वो कहीं खो जाता है या फिर वो रिप्रिंट करना चाहते हैं। तो वैसे स्थिति में करते क्या है हम लोग दोस्तों, कि आधार कार्ड कहीं पे जाते हैं और कोई दुकानदार लोग जो है कि सॉफ्टवेयर रखा है और वहां पे जाके अपना हम फिंगर देते हैं और उससे वो हमारा आधार कार्ड का पूरा डिटेल से निकाल लेता है और वो जो क्या है कि बाद में वो फर्जी वाला आधार हमें वो प्रिंट करके दे देता है, जो कि देखने में दोस्तों बिल्कुल सेम लगता है जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसी तरह का बिल्कुल सेम लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज इंटरनेट की दुनिया में जो है कि सॉफ्टवेयर बनाना कोई इतना बड़ा भारी बात रह नहीं गया है, किसी चीज का भी जो है कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। आपको काफी सारे YouTube पे वीडियो देखने के लिए मिल जाते होंगे कि ये सॉफ्टवेयर बना है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बना है, ये सॉफ्टवेयर, काफी सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे होता क्या है आप इस चीज को बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं जो है कि आपका ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि एक कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है यानी विंडोज जो होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं, वो विंडोज अगर आप ओरिजिनल लेने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो 7-8 हजार 10 हजार रुपए पे करने होते हैं, तब जो कि आपको एक विंडोज मिलता है। अगर वही विंडोज है दोस्तों कि आप मार्केट में जाते हैं वहां से आपको 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया लेके और आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 8,000 रुपए 9,000 रुपए की सॉफ्टवेयर बेच रही है वो मार्केट में जो है कि 100 रुपए में मिल जाता है दुकान में, या फिर आप नेट से फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या उस कंपनी को उसको बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही मनमर्जी 8-10 हजार रुपए ले लेती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको उतना मेहनत लगता है, अपना मेहनत का पैसा लेती है जो अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो, और वो जो है कि आपको पैसा जो 100 रुपए में जो इंस्टॉल करके ले रही है वो कहीं आपको 6,000 रुपए से ज्यादा ले रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरा सिस्टम को हैंडल करने का परमिशन ले रही है आपसे। बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आप मार्केट से 100 रुपए का सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम पे चढ़ाते हैं, विंडो चढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो सिस्टम का डाटा है वो उन्होंने ले लिया आपका। तो उसी तरह जो है दोस्तों कि यहाँ पे है आधार में, कि आधार का जो है कि यहाँ पे UID की तरफ से ऐसा लगा कि वहां पे पहले व्यवस्था था कि जो कि आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के और अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेते थे और वहां पे आपका डाउनलोड हो जाता था। तो दोस्तों उसमें दिक्कत यह आया कि जो आपका डाटा लीक हो रहा था वहां पे, तो उसको रोकने के लिए UID ने यहाँ पे एक नियम लाया कि नहीं, अब ऐसे हम डाउनलोड नहीं करने देंगे, आपके जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसको हम वेरीफाई करेंगे तभी जो है कि आपको डाउनलोड करने देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो उसका तोड़ निकल के आया उसमें बना दिया गया सॉफ्टवेयर और आप जो है कि फिंगर लगाइए और वो आपका डाटा ले लेंगे और डाटा लेने के बाद वो डाटा चले जाएगा, कहीं भी हो जा सकता है डाटा, और डाटा जाने के बाद वो आपका नॉर्मली आधार कार्ड बना देंगे। और दोस्तों वहां पे इतना तक कर देते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या कोई चीज भी अगर गलती है तो, और दोस्तों इस तरह से जो है कि वहां पे आपका डाटा ले लिया जाता है और आपका जो है कि नाम वहां पे भी चेंज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका जो है कि आधार करेक्शन हो गया है और आप जो है कि कहीं पे भी ले जाए कि वो आधार कार्ड दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि दोनों का नुकसान होने वाला है। अगर कहीं भी आप पकड़े जाते हैं कि आपका आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और आपने जो प्रिंट आउट मेरे को दिया है उस पर कुछ और है, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा और जो आपका आधार कार्ड बनाया है उसका भी वहां पे नुकसान होने वाला है, लेकिन पहले तो आप ही पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा धोखाधड़ी से आप बचिए, जो आधार कार्ड है ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ जो सरकारी संस्था है वहीं पे आधार कार्ड का करेक्शन या आधार कार्ड बिना मोबाइल नंबर का डाउनलोड होता है और बाकी जगह पे आपका नहीं होता है। तो दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जैसे अगर कहीं पे डाउनलोड नहीं होता है तो आधार कार्ड हमारा, कुछ ऐसे भी जो एरिया है जहां पे कि जो कि आधार कार्ड मतलब डाउनलोड अभी नहीं हो होता है यानी सरकारी संस्था में काम नहीं हो रहा है, तो उनको परेशान होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है।
आप जो है कि उसके लिए आधार कार्ड के लिए रिक्वेस्ट आप दे दें, आपका जो है कि पुनः आधार कार्ड ओरिजिनल जो आधार कार्ड होता है वो बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप प्रिंट भी करवाते हैं तो आपसे 30-40 रुपए वहां पे भी चार्ज लिया जाता है और यहाँ पे भी जो है दोस्तों की 50 रुपए का चार्ज लिया जाता है और आपका बिल्कुल ओरिजिनल आधार कार्ड बन के आ जाता है। तो दोस्तों ये कैसे करना है इसके बारे में हम आपको अगर थोड़ा सा बता दें और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ और आपके यहाँ सेंटर कहाँ कहाँ पे है ये सारे चीज अगर आप जानना चाहते हैं और ऑनलाइन करेक्शन के बारे में तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे देखिए चेक आधार स्टेटस और ऑर्डर आधार रीप्रिंट आपको ऑप्शन मिल जाएगा जब यूआईडी के वेबसाइट पे आइएगा, माई आधार में ही चले जाइएगा। माई आधार में जाने के बाद ऑर्डर यहाँ पे देखिए आपको क्लिक कर देना है और देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर आधार रीप्रिंट पे हम करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जो है कि आपको यहाँ पे सिंपली जो है कि आपके पास अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल दीजिए, वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी डाल दीजिए, ई आईडी अगर है तो ई आईडी डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद जो है दोस्तों कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की को फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी की को फिल कर देते हैं ये, और यहाँ पे देखिए माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका जो है कि जो मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो वो ओटीपी इस मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास जो है कि मोबाइल नंबर है, इसमें जो मेरा आधार कार्ड है उसमें रजिस्टर है, इसलिए जो है कि मैं इस चेक मार्क को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर है। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो ये ऑप्शन आप दबा लीजिएगा, यानी माय मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी आएगा, उस मोबाइल से वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आपको बहुत सारे वीडियो में ये भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों कि इस तरह से करने पे आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ जाता है। तो ऐसा चक्कर में आप मत रहिएगा कि यहाँ पे जो है कि आधार नंबर हमारा मोबाइल नंबर वो जुड़ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड ओटीपी करते हैं और सेंड ओटीपी करने के बाद दोस्तों मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ चुका है जिसको मुझे यहाँ पे फिल कर देना है। आप नीचे में देख पा रहे हो एंटर ओटीपी, तो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम अपना ओटीपी जो है कि यहाँ पे फिल कर देते हैं, उसके बाद इसका टर्म ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए और यहाँ पे प्लीज चेक टर्म ऑफ कंडीशन। तो चलिए हम इसको चेक कर लिए, सॉरी यहाँ पे हाँ चलिए मैं इसका टर्म ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया हूँ और उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं यहाँ पे दोस्तों तो हमें कुछ आगे का इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसपे वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, आपका जो है कि आधार पे जो फोटो होगा, आधार का आपका जो भी डिटेल्स होगा वो जो है कि यहाँ पे शो कर देगा। अगर दोस्तों आप जो है कि अपना अगर दूसरा मोबाइल नंबर देते हैं तो वहां पे यानी आपके मोबाइल में रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे शायद नहीं शो करेगा, मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इसकी वजह से सारा कुछ मेरा शो कर दिया। उसके बाद जो है दोस्तों कि आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा मैक पेमेंट का, तो आपको मैक पेमेंट कर देना है और मैक पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे 50 रुपए पे करना होगा इसका। यहाँ देखिए यहाँ पे रुपए प्रोसेसिंग, तो इस तरह से जो है कि पेमेंट पेज पे आपको ले जाएगा जहां से आपको 50 रुपए पे करना होगा। यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से आप यहां पे पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको 10 से 15 दिन में जो है कि आपका आधार कार्ड जो है कि बाय पोस्ट आ जाएगा और उससे आप सारे वर्क को कर पाएंगे। और दोस्तों आप इसको छोड़ के अगर आपको पर रीप्रिंट कराना है, मोबाइल नंबर नहीं जुटा हुआ है आपका आधार में, तो इसके बाद जो है कि आप दूसरा कोई भी रास्ता मत अपनाइए जिससे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है आधार कार्ड डाउनलोड होने का। जैसे ही अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दूसरी अगर आप आधार अगर फेस स्कैम डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेस स्कैम के लिए हमारे वीडियो बने हुआ है जो कि आपको लास्ट में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में वो भी वीडियो मिल जाएगा कि फेस स्कैम से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट था जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल अगर वीडियो होता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।